हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके देखूंगा ये जो LG फ्लैट TV है। और दोस्तों ये नॉर्मल सा TV है, अल्ट्रा स्लिम नहीं है। सप्लाई देके चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये रेनबो प्रॉब्लम है। नो पिक्चर, पिक्चर हल्का सा चल रहा है इसका अंदर देखा जाता है, जो आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप जो सोच रहे हो ये कौन सा फॉल्ट है, तो ये नहीं है कि आप सोच सकते हो कि ये बेस का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका बेस ओके है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि इसका वर्टिकल सप्लाई का प्रॉब्लम है, हो सकता है वर्टिकल IC का प्रॉब्लम है, पर दोस्तों ये सब प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली इसका फॉल्ट क्या है, तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊँगा, देखने के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है और इसका क्या फॉल्ट है। हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम रिपेयर करके देखूंगा कि रेनबो प्रॉब्लम। दोस्तों रेनबो प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से आ सकता है, मेनली LG TV के अंदर। आपको ये जो चैसिस रिपेयर करके देखूंगा, ये चैसिस नंबर आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए CP79C, ठीक है, ये स्टिकर नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये चैसिस का अंदर आपको रिपेयर करके देखूंगा कि रेनबो प्रॉब्लम कौन पोजीशन से आ रहा है। अधिकतर पूरा यूट्यूब पर आप चेक करके देखेगा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये IC का ऑल वोल्टेज लगभग ओके लग रहा है कि इसका माइनस वोल्ट ओके है, प्लस वोल्ट ओके है, इसका वर्टिकल IC भी ओके है, ठीक है। और इसका ये जो बेस है, फर्स्ट टाइम मैं सोचा कि इसका बेस का प्रॉब्लम है, बेस को मैं न्यू लगाया। लगाने के बाद जब ये प्रॉब्लम दिखा और इसका वोल्टेज चेक करके मैं देखा कि इसका सब कुछ वोल्टेज ओके बड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए मैं सोचा कि चलिए इसका ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और ये टॉपिक के ऊपर बहुत वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसका अंदर आपको हर टाइम देखने को मिलेगा कि वर्टिकल ये IC के अंदर नेगेटिव वोल्ट मतलब माइनस सप्लाई मिसिंग प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम आ सकता है। वर्टिकल IC खराब होने के बाद ये प्रॉब्लम आ सकता है, बेस प्रॉब्लम से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और इसका अंदर एक PTC रहता है, जो PTC प्रॉब्लम से भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम से भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, बट आपको ये वीडियो के अंदर पूरा अलग से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। मैं TV पर सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया और ऑडियो वीडियो कॉर्ड में कनेक्शन करके ही रखा हूँ। तो दोस्तों इसका स्पीकर कनेक्टिंग पॉइंट ये ओपन है और इसका वीडियो स्क्रीन का अंदर जो आ रहा है ये देखिए, इसी तरह जो प्रॉब्लम आ रहा है, पिक्चर कुछ भी नहीं दिखा जाता है, बट हल्का सा पिक्चर इसका अंदर चल रहा है। इसका मूवमेंट भी आप देख सकते हो कि इसका पिक्चर अंदर से ये चल रहा है। और चलिए ESC को थोड़ा सा हाई करने के बाद आपको देखूंगा, ये आप देख सकते हो ESC को हाई करने के बाद इसी तरह सिम्टम आ रहा है, ठीक है। ये रेनबो ड्राइव प्रॉब्लम है और पिक्चर इसका क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कौन पोजीशन से आ रहा है, इसका बेस तो मैं चेंज कर दिया, पिक्चर ट्यूब तो दोस्तों ये अलग सा पिक्चर ट्यूब है। तो चलिए कुछ वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ अभी, ठीक है। फर्स्ट आपको देखूंगा कि ESC सप्लाई, ठीक है, कि ESC सप्लाई प्रॉपर नहीं बनेगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ESC सप्लाई देखिए 109.7 मतलब 110 वोल्ट का आसपास ये ओके है। इसका आउटपुट वोल्टेज जो 180 होता है, यहाँ पर 172 ये भी ओके है, क्योंकि इसका ये कॉइल अलग है। चलिए वर्टिकल सप्लाई, ठीक है, वर्टिकल ये जो दो पिन है यहाँ से और यहाँ से दो सप्लाई आउटपुट होता है, बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर जो डायोड है, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है ये देखिए, +13.3 वोल्ट ये वोल्ट आ रहा है। तो नेगेटिव जो ये लाइन है, यहाँ से जो डायोड उल्टा करके कनेक्शन देखा जाता है, यहाँ पर -13.2 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं अच्छा करके दिखाता हूँ, देखिए -13.2 ये आ रहा है, मतलब ये वोल्ट प्रॉपर है, ये प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट बराबर होना चाहिए,
ये 2 वोल्ट ओके है। और ये आईसी का पास ये वोल्टेज जा रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आईसी का पिन है, यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए -13.2 वोल्ट, ये भी ओके है। और प्लस वोल्ट आईसी का पास जा रहा है कि नहीं, चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, 10 माइक्रोफ़ारड का कैपेसिटर। यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप है, 12.8 वोल्ट है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज देखिए, ये जो प्लस सप्लाई लाइन का डायोड है यहाँ से, और यहाँ पर आरएक्सर डायोड है, जो डायोड का बाद ये 12.7 आ रहा है, और ये डायोड का पहले मतलब ये फर्स्ट डायोड का बाद ये 13 वोल्ट, ये देखिए 13.3 वोल्ट आ रहा है। दोस्तों रेनबो प्रॉब्लम जब आता है, जब आईसी फॉल्ट हो जाता है, अधिक टाइम आपको देखना पड़ेगा कि वर्टिकल का 2 आउटपुट पॉइंट पर वोल्टेज आ जाता है, बट इसका अंदर कुछ भी हाई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये देखिए 0.3 वोल्ट, और यहाँ पर हाई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली वर्टिकल आउटपुट का अंदर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप मीटर को एसी रेंज पर सिलेक्ट करके एक बार देखेगा, तो चलिए मैं देखता हूँ क्या वोल्टेज आता है कि नहीं। तो दोस्तों एसी वोल्ट यहाँ पर 6.3 आ रहा है, और ये पिन पर भी इसी तरह, ये देखिए, चलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज एसी देखिए दोस्तों प्रॉपर नहीं बन रहा है, ये आर्टिकल का सेकंड पिन का अंदर, तो एक पिन का अंदर तो वोल्टेज आ रहा है 7.6.3, इस तरह वोल्टेज आ रहा है। थोड़ा सा वोल्टेज लो लग रहा है, बट वोल्टेज तो आ रहा है। चलिए मैं डीसी रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद मैं पूरा आईसी कॉल वोल्टेज दिखाता हूँ। ये एक नंबर पिन है, एक नंबर पिन का अंदर वोल्टेज आप देखिए 13.3, ये प्रॉपर है। और 2 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज, ये 2 नंबर पिन यहाँ पर -11.7, मतलब 12 वोल्ट का आसपास ही आ रहा है, ठीक है, ये 2 नंबर पिन के अंदर। बट दोस्तों यहाँ पर 8-9 वोल्ट का अंदर ही वोल्टेज देखा जाता है, थोड़ा सा वोल्टेज इसका अंदर हाई है। ये 2 नंबर पिन का अंदर क्या है कि यहाँ पर 10 माइक्रोफ़ारड का कैपेसिटर है, जिसका नेगेटिव ये साइड है, जिसका पॉजिटिव ये साइड है। ये साइड का अंदर प्लस वोल्ट आता है, ये साइड का अंदर -वोल्ट, 8 वोल्ट 9 वोल्ट का आसपास देखा जाता है। और ये लाइन का अंदर एक रेजिस्टेंस है जो दोस्तों नेगेटिव के साथ कनेक्ट रहता है। ये नेगेटिव वोल्टेज 13 वोल्ट आपको जो दिखाया, ठीक है। और चलिए 3 नंबर पिन का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, 3 नंबर पिन का अंदर ये देखिए प्लस 12 वोल्ट आ रहा है, 12.8 आ रहा है। और 4 नंबर पिन, ये 4 नंबर पिन दोस्तों आपको देखा है, ये -वोल्ट का पिन है, ये ओके है। और 5 नंबर पिन दोस्तों ये आउटपुट है जो आपको फर्स्ट टाइम एक बार दिखाया, ये वोल्टेज भी प्रॉपर है, डीसी वोल्ट। 6 नंबर पिन का अंदर कितना वोल्ट है, 6 नंबर, ये दोस्तों 6 नंबर पिन का अंदर 0.7 वोल्ट है। दोस्तों ये 6 और ये 7 नंबर पिन, दोनों पिन का अंदर सेम वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, 0.7 वोल्ट। ये दोनों पिन का अंदर सिग्नल आता है, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, मेन प्रोसेसर आईसी से सिग्नल आता है, ये सिग्नल भी ओके है। तो और क्या फॉल्ट आ सकता है, तो आप ही सोचिए कि और क्या चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों पीसीबी को मैं पलट करके जब मैं अच्छा करके देखा कि यहाँ पर 2 जेनर डायोड हल्का सा प्रेशर देने के बाद ये टूट गया। तो दोस्तों ये जो जेनर डायोड है इसका वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा जेनर डायोड है, ये भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं टूट गया। और ये जो वर्टिकल सप्लाई का माइनस लाइन है, माइनस लाइन से ये सप्लाई लाइन का अंदर है, पीएफ है, पीएफ का बाद ये जेनर डायोड वो लाइन का अंदर है। और ये दोस्तों एबीएल लाइन का जेनर डायोड है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद ये फट गया, मतलब ये भी ख़राब हो गया था। तो ये 2 डायोड को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, और ये कौन सा लाइन का डायोड है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जेनर डायोड को चेंज करने का बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जिस तरह प्रॉब्लम सेम ऐसा ही फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए ये जो वर्टिकल सप्लाई लाइन का अंदर जो -वोल्ट यहाँ पर मिलता है, इसका अंदर -वोल्ट का कुछ भी ड्रॉप नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है,
बट ये जो एसी वोल्ट इसे लाइन ये लाइन का अंदर एक पीएफ यहाँ पर रहता है जिसका लाइन का अंदर एसी वोल्ट देखने को मिलता है, बट ये मीटर का अंदर एसी वोल्ट नहीं दिखाया जाता है। और बीच में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से ये इसका अंदर भी वोल्टेज नहीं है और यहाँ से ये निगेटिव का अंदर जो जेनर डाइट फटा हुआ था यहाँ पर मैं 5.1 वोल्टेज वैल्यू जेनर डाइट यहाँ पर मैं लगाया और ये लाइन का अंदर ये जो लाइन जा रहा है मेन प्रोसेसर आईसी का अंदर जा रहा है। यहाँ पर जो मेन प्रोसेसर आईसी का जो पिन है एक ब्लैक वाला पॉइंट ये आईसी पिन के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों इसका अंदर 1 वोल्ट, तो दोस्तों सॉरी ये मैं अलग सा पिन का अंदर दिखा रहा हूँ। इसका बगल में जो राइट साइड जो पिन है जिस पिन का अंदर एफ बी लिखा है, ठीक है दोस्तों, ये एफ बी पिन काम नहीं करेगा तो ई एस टी प्रॉपर नहीं बनेगा, तो ये ई एस टी भी लो हो सकता है। ये एफ बी पिन को भी आपको देखना पड़ेगा। ये जो पिन है इसका बगल में जो राइट साइड काला वाला एक बॉर्डर है जिस लाइन का अंदर ये एफ बी ये पिन का अंदर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.65 इसी तरह वोल्टेज आ रहा है। तो क्या फॉल्ट है ये तो मैं कॉन्फ्यूज़ हो जाता हूँ क्योंकि ये मीटर का अंदर प्रॉपर एसी वोल्ट देखने को नहीं मिलता है जो ई एस टी से वोल्टेज आता है वर्टिकल माइनस लाइन से, ठीक है। तो इसका अंदर कुछ भी डायोड नहीं है, तो उसका पहले जो वोल्टेज 1.2 वोल्ट ये अलग सा पिन है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये आईसी भी फॉल्ट हो सकता है क्या, तो ये आईसी को भी एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। तो ये जो एफ बी पिन, तो दोस्तों देखिए मैं ये पिन का ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पिन है। ये पिन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बट अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ये देखिए 0.3 वोल्ट, मतलब प्रॉपर इसका अंदर वोल्टेज नहीं है और प्रॉब्लम जैसे ही ऐसा ही है। तो दोस्तों और क्या चेक करके देखना पड़ेगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं ये पीसीबी को मैं पलट करके इसका प्रोसेसर आईसी नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये 21 इंच टीवी का अंदर ये चैसिस था, मैं अलग सा पिक्चर ट्यूब का अंदर ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ। TDA TP-Line 05 PS/N3/3/N4 ये जो आईसी नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ई एस टी को मैं ओपन किया और ई एस टी के ऊपर कुछ भी स्टिकर नहीं है, तो मैं ये चैसिस का अंदर जो न्यू ई एस टी लगाया ये 6006N, ठीक है, ये 6006N वाला ई एस टी मैं यहाँ पर न्यू लगाया, आप देख सकते हो। लगाने के बाद और इसका अंदर जो जेनर डाइट फटा हुआ था मैं 5.1 के करके दोनों जेनर डाइट लगाया, ए बी एल लाइन का अंदर 5.1 और एफ बी लाइन का अंदर जो फटा हुआ था वो 5.1 जेनर डाइट लगाया, ठीक है। लगाने के बाद अभी देखूँगा कि वोल्टेज का कुछ चेंज आता है कि नहीं और पिक्चर बांधता है कि नहीं, ठीक है। तो मीटर को यहाँ पर मैं रखता हूँ, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे दिया, ई एस टी बन रहा है और पिक्चर आ रहा है कि नहीं, तो दोस्तों देखिए अभी पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों ई एस टी का अलग अलग पिन का अंदर वोल्टेज चेक करने के बाद कुछ भी पता नहीं चला, जब इसी तरह रेनबो प्रॉब्लम आपको दिखाया। तो अभी एक बार वर्टिकल सप्लाई देखना पड़ेगा, वर्टिकल सप्लाई कितना है। तो दोस्तों अभी वर्टिकल सप्लाई -13.2 वोल्ट ये सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, और वर्टिकल सप्लाई ये +13 वोल्ट ये भी ओके है, कुछ भी चेंज नहीं है। और ये 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का ये साइड जो वोल्टेज ये भी चेंज नहीं हो रहा है, 11.7 है, तो ठीक है। और चेंज क्या देखूंगा, एफ बी पिन का अंदर एफ बी पिन कौन सा है, ये एफ बी पिन। तो दोस्तों ये एफ बी पिन का अंदर भी वोल्टेज कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉब्लम ये वोल्टेज चेक करने के बाद पता नहीं चलेगा, आपका अनुमान लगा के आपको हिसाब लगा के प्रैक्टिकल काम करने का एक्सपीरियंस का दम से आपको इसी तरह प्रॉब्लम को रिपेयर आप कर पाओगे, ठीक है। कि ये ईएसटी का सब कुछ वोल्टेज ओके होने का बजाय भी इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जो ये वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो
थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। और ये चैसिस नंबर फर्स्ट आपको दिखा है, लास्ट में भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो चैसिस नंबर है देखिए CP79C, ये जो ESD का नीचे लिखा है, ठीक है CP79C। थैंक यू दोस्तों।